मेरा केश पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्णे ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या जंग लगी तलवारों को, सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल क्षीर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी ना देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हृणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी कौरव सुतगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम में अपराध किया ना सर मृत्यु का मौर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भीच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्थ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले दो लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर छोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन ये नारी है या साड़ी है, द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, दस सहस्र हस्त का बलशाली शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था,
कविया गिसैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है।